नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। शासन ने आम लोगों की सुख सुविधा के लिए बड़े बड़े अस्पताल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी और करोड़ों रुपए यहां पे खर्च कर दिए, और ये केवल ये व्यवस्था इसलिए की गई कि लोगों को इससे मदद हो सके, लोगों को समय पे खून मिल सके, लोगों को समय पे उनका उचित उपचार हो सके। और साथ ही अस्पताल में करोड़ों रुपए की मशीनें भी लेके आए, इस तरह की मशीनें भी यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी ब्लड यूनिट भी यहाँ पे लेके आ गए हैं। लेकिन इसका फायदा जनता को कितना मिल पा रहा है, ये इसकी वस्तु स्थिति आप समझ सकते हैं। आज हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई है यहाँ पर खंडवा के जिला अस्पताल कैंपस में, और यहाँ पे जो लोग हैं ये सभी लोग कोई ना कोई समस्या को लेकर यहाँ पे परेशान हो रहा है। और अधिकांश लोगों का ये कहना है कि खंडवा की जो ब्लड यूनिट है, जो ब्लड बैंक यूनिट है, यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, इनको ब्लड की आवश्यकता है, विभिन्न जो यूनिट के जो भी वर्ग के इनको यूनिट चाहिए, लेकिन ये लोग अस्पताल में इनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? राजा सिंह ठाकुर, मेरा नाम सुलगांव से हूँ जी। राजा भाई, क्या समस्या है आपकी? सर, मुझे पीआरपी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मैं पिछले चार दिन पीआरपी, ये बच्चे का ब्लड होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो अच्छा यूनिट निकाला जाता है, वो नहीं मिल पा रहा सर। मैं पिछले चार दिनों से भटक रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ जाकर अच्छा। कि सर मुझे आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, वो बोल रहे अभी नहीं है, सैंपल नहीं है, आया नहीं है, अच्छा। मौजूद नहीं है, डोनर लेके आओ या प्राइवेट से लेकर आओ जी। सर, अगर प्राइवेट से लाना हो तो हम सरकारी में क्यों आते? अच्छा, आप बताइए ना। तो आप देख सकते हैं कि अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में लोग इसी उम्मीद से आते हैं कि उन्हें निःशुल्क उपचार सुविधा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन्हें ये कहा जा रहा है कि आप बाहर जाके उपचार, बाहर जाके लेकर आए, तो ये ऐसी स्थिति में कहाँ पर जाएं? इनके कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे कहाँ जाके अपना व्यवस्था करेंगे खून की? इस ओर जिम्मेदार लोग ध्यान देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और कौन लोग हैं यहाँ पर मौजूद है? भैया, आपका क्या नाम है? भैया रमेश कुहर। कहाँ से आए आप? मोरघड़ी, मोटक्का। आपकी क्या समस्या है भाई? ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। आप कितने दिन से यहाँ पे भटक रहे हैं? चार रोज से। आप चार रोज से परेशान हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे ब्लड यूनिट वाले जो हैं? ब्लड डोनर लेके आओ, हाँ, निकाल के दे देंगे, यहाँ नहीं है ब्लड, नहीं है। अच्छा, बैंक में बी पॉजिटिव चाहिए? बी पॉजिटिव, मतलब ये एक्सचेंज करके भी देने को तैयार नहीं, दूसरा डोनर, मतलब इनके पास दूसरा डोनर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ के जो अस्पताल वाले हैं ये कह रहे हैं कि हम एक्सचेंज करने को भी तैयार नहीं है, जो यहाँ पे एक्सचेंज का भी काम लगभग बंद है। और क्या कहना चाहेंगे भाई आप? बस यही, मेरी मदद करो। अच्छा, कितने ब्लड की यूनिट की आवश्यकता है आपको? तीन से चार जी। इनको बी पॉजिटिव ग्रुप के तीन से चार यूनिट की आवश्यकता है। और कौन है भाई जिनको इसी तरह की समस्या? आपका क्या नाम है भाई? वीरेंद्र यादव, डुड़गांव। वीरेंद्र यादव जी, हाँ। डुड़गांव कौन सा वाला? ये पुनासा। पुनासा के पास से? हाँ। खंडवा से कितनी दूर है? खंडवा से 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर। आपकी क्या समस्या है? वे ब्लड की है भी। अच्छा, तो क्या, कौन सा ब्लड चाहिए आपके मरीज को, क्या हो गया है उनको? ये पॉजिटिव। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोले कि यहाँ से जाँच कराओ, और वो बोले की अभी आगे से लाओ, क्योंकि आगे मिल नहीं रहा, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, इनके पास अवेलेबल नहीं? हाँ। संडे हुआ है, आज मिलेगा नहीं? आज संडे नहीं है। आप इनके साथ ही हो? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण यादव है, मैं भी डुड़गांव रहता हूँ। अच्छा। ये भैया मेरे घर के पास रहते हैं, इन्हें मेरे को बुलाया गाँव से डोनेट करने के लिए। और अब यहाँ पे जब आया मैं और चेक करवाने के लिए गया अंदर, तो बोले आज यहाँ पे चेक नहीं होगा आपका, क्या वो पॉजिटिव ग्रुप है? बोले आप बाहर से चेक करवा के, बाहर गया तो सब दुकानें बंद है, आप कहाँ चेक करूंगा फिर? आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये डुड़गांव के रहने वाले हैं, जो पुनासा ब्लॉक का गांव है, और इनको ब्लड की आवश्यकता थी, तो इन्हें कहा गया कि आप डोनर लेके आए, और जब इन्होंने अपने गांव से इनके रिश्तेदार या इनके गांव के जो रहने वाले हैं उनको बुला लिए यहां पर, तो अब ये कहा जा रहा है कि आपके ब्लड की जांच भी अस्पताल के बाहर होगी। तो जब अस्पताल से बाहर ही जाँच कराना है, तो ये इतने बड़े बड़े अस्पताल काय के लिए बनाए गए? जिम्मेदारों को इसका, इस बात का जवाब देना होगा। और भैया, और कौन है जो अपनी बात रखना चाहेगा? आपकी क्या समस्या है भाई, आप क्या बोलेंगे, आप कहाँ से आए? मैं सिरपुर का हूँ साहब। अच्छा, क्या समस्या है आपको? अपने माता राम का एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर उनका फ्रैक्चर है। अच्छा, तो बोल तो रहे कि दो चार दिन में इलाज हो जाएगा, अभी 15 दिन हो गए। अच्छा, पर अभी तक इलाज आने की चल रहा है, प्लास्टर चढ़ा दिए, सूजन है पैर पे। अच्छा, तो बोले कि 7 दिन बाद और पक्का प्लास्टर हो। 7 दिन बाद पक्का प्लास्टर? हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा है कि जल्दी हो जाए तो अच्छा ही है। अच्छा, आप परेशान हो रहे हैं। हाँ भैया, और कोई कुछ बोलेगा? क्यों भाई, आपकी क्या समस्या है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग कोई ना कोई समस्या बता रहे हैं, और यहाँ पर इनकी समस्या सुनने के लिए कोई जिम्मेदार यहाँ पे तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है दादा? मैं पुनासा रहता हूँ। क्या नाम है आपका? शंकर लाल। मैं लड़के को लाया, कल एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, सिर्फ मुंदी में उसको टाके दे दिए थे यार, डॉक्टर मेरे को, मैडम बोलती 9 बजे आएंगे, फिर 9 बजे मिला बोले 12 बजे आएंगे, 12 बजे मिला बोले शाम को 5 बजे आएंगे। अच्छा, अभी तक डॉक्टर उनका पता ही नहीं। कब? कल से बोल रहे? कल से।
तो ये दादा पुनासा के पास से आए हुए हैं, पुनासा से ही आए हैं आप, और इनका ये कहना है कि ये इन्हें कल से डॉक्टर मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे इलाज कराने के लिए कल से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और क्या कहेंगे भाई? बस और क्या है, डॉक्टरों के खिलाफ डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि यहाँ पे डॉक्टर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो इसका फायदा गरीब लोगों को नहीं मिल पाएगा। हमारी स्पेसकस में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए और नियमित खबरों के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।